अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बच्चे लोग के लिए लंच बॉक्स स्पेशल, किड्स लंच बॉक्स स्पेशल रेसिपी सैंडविच चीज डाल के। तो चलिए शुरू करते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंच बॉक्स रेसिपीज बनाते हैं। चलिए, एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून कद्दूकस करा हुआ ये डाल दीजिए, गाजर। अच्छा, मैंने मोटा मोटा ग्रेट किया है, आप पतला भी बारीक भी ग्रेट कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दीजिए, और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बारीक कटी हुई प्याज ली है, आप चाहें तो 2 टेबल स्पून ही रख सकते हैं प्याज को भी। अब 3 टेबल स्पून मायोनीज के भर के डाल दीजिए इसके अंदर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 छोटा चाय का चम्मच ऑरेगानो डाल दीजिए या मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए, और 1/2 टेबल स्पून टमाटर सॉस। अब ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। ये मिक्सचर के अंदर तकरीबन 2 से 3 सैंडविचेस बन जाएंगे। अब आप ज़्यादा डालेंगे तो कम सैंडविच बनेंगे, अगर आप कम डालेंगे तो ज़्यादा सैंडविच बनेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड लिए हैं, 1 ब्रेड के ऊपर आप ये मिक्सचर लगा दीजिए, चारों ओर फैला दीजिए। आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा लिया है, जी हाँ, और मैं चारों ओर फैला देती हूँ। अब जो दूसरा ब्रेड है, ये वाले मिक्सचर जिस पे हम लगा रहे हैं उसके ऊपर लगा कर उसे ढक दीजिए इस तरीके से, और जिस पे ढाका है हमने, अब उसके ऊपर आप एक चीज स्लाइस रख दीजिए या 2 रख दीजिए, और तीसरे वाले ब्रेड से उसे ढक दीजिए। तो ये हमारा बन गया एक सैंडविच का पैकेट। इसी तरीके से आप बाकी के सैंडविचेस बना लीजिए। अच्छा, आप चाहें तो 3 ब्रेड के बजाय 2 ब्रेड वाला भी बना सकते हैं, हाँ, बीच में एक स्लाइस डाल दीजिएगा चीज की और फिर ढाकिएगा। चलिए, ये सारे बन चुके हैं, अब हम रोस्ट कर लेते हैं, मतलब फ्राई कर लेते हैं। अब चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं मक्खन डाल देती हूँ और चारों ओर स्प्रेड कर देती हूँ। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो यहाँ चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है, आप चाहे तो मीडियम कर सकते हैं। हमारे जो ये सैंडविचेस हैं ये डाल दीजिए तवे के ऊपर, और आपने देखा ऊपर भी मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा लिया है पहले से, तो आप भी लगा लीजिएगा और उलट पलट करते जाएं और इसे सेकें। ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, लाइट ही रखिएगा, बच्चों के लिए है, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे तो बच्चे शायद खा ना पाए। तो मैं हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ दोनों ओर से, बस वहाँ तक ही करना है जब तक नीचे जो अंदर हमने जो चीज़ डाला वो बस मेल्ट ना हो जाए, वहाँ तक ही इसे ग्रिल करना है हमें। उलट पलट में करते जा रही हूँ, ये देखिए हो गया, तो इसे निकाल लीजिए और इसे इस तरीके से बीच में से काट लीजिए ट्रायंगुलर शेप में। तो ये बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार से बच्चों के लिए सैंडविच चीज वाले, है ना मज़ेदार और है ना झटपट भी, बस 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं हमारे ये वाले सैंडविचेस। अब ये मायो चीज सैंडविचेस को लंच बॉक्स के अंदर डालें, साइड पर बच्चे की मनपसंद कोई भी फ्रूट्स डाल दीजिए, मैं यहाँ अनार डाल रही हूँ, और ये बन गया हमारा बढ़िया सा मायो चीज सैंडविच, मज़ेदार सा, बच्चे बड़ा इंजॉय करेंगे ये खाकर। अच्छा, आप चाहें तो सब्जियाँ अपनी कोई भी मनपसंद भी ले सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा कॉर्न्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, बॉईल करा हुआ नितारा हुआ कॉर्न्स, और अगर आपको जो सब्जी नहीं चाहिए तो इसमें से आप ओमिट कर सकते हो। तो ये पैक हो गया मेरा लंच बॉक्स मेरे बेटे के लिए। तो है ना मजेदार रेसिपी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।